ओके तो सबसे पहले आपको कैनवास ओपन कर लेना है, चलना है प्लस वाले आइकन पर और यहाँ से 9 और 16 का स्पीड रेशियो लेकर के आ जाना है। स्पीड रेशियो लेने के बाद आपको मैं आगे बताता हूँ, तो गाइस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले आपको यहाँ से मीडिया बाजार में जाना है, यहाँ से किसी तरह का बैकग्राउंड यहाँ पर लेकर आ जाना है आपको। मैं सिंपली यहाँ से ये येलो वाला ले लेता हूँ, आप किसी तरह का यहाँ पर ले सकते हैं। इस पर टाइप करना है, इसे इस तरीके से स्क्रॉल करके बड़ा कर देना। ओके गाइस सिंपली यहाँ से डन कर देना और आपको चलना यहाँ से लेयर वाले आइकन पर और यहाँ से मीडिया का ऑप्शन दिखेगा उस पर टाइप कर देना है। उसके बाद इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना और यहाँ पर लेकर के आ जाना है। मैं सिंपली लेकर के आ जाता हूँ, तो गाइस इसमें कुछ ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो हो जाएगा। सो गाइस देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर इस वीडियो को लेकर के आ चुका हूँ, सिंपली आप देख सकते हैं। ओके तो सिंपली आप यहाँ पर देखने के बाद इस वीडियो पर टाइप करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा आपको स्क्रीन का, इस पर टाइप करना और यहाँ से इसे फुल कर देना है। ओके गाइस सिंपली डन कर देना और आप इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ वीडियो बनकर रेडी हो चुका है। ओके गाइस सिंपली इस वीडियो पर टाइप करना, लास्ट तक आना और इस बैकग्राउंड पर क्लिक करते हुए इसे इस तरीके से बड़ा कर देना। फिर से इस वीडियो पर टाइप करना, लास्ट तक आना और बैकग्राउंड में टाइप करना और इसे सीजर में जाने के बाद ट्रिम टू राइट ऑफ लेफ्ट करके काट देना। ओके गाइस ताकि ये वीडियो के बराबर हो जाए। ओके सिंपली उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से ग्रीन स्क्रीन स्टार्ट होता है। ग्रीन स्क्रीन को हटाने के लिए सिंपली इस वीडियो पर टाइप करेंगे, इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर क्रोमा की ऑप्शन देखिएगा, क्रोमा की पर टाइप करेंगे। ओके सिंपली यहाँ से इसे डन कर देने और डन कर देंगे। ओके सिंपली की कलर में आप यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं, यहाँ पर ग्रीन कलर को आपको चूज़ कर लेना है। ग्रीन कलर चूज़ करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप ग्रीन कलर यहाँ से हट चुका है। ओके गाइस इसे इस तरीके से हल्का हल्का मैच कर देना है अपने हिसाब से। ओके ये चीज़ हो चुकी है। सिंपल आपको करना क्या होगा, गियर वाले आइकन पर जाना और यहाँ से ऑडियो फेड आउट को बंद कर देना, ताकि इसमें जो इस वीडियो में पहले से साउंड दिया हुआ है, ताकि आपका जो वीडियो लास्ट में आए तो साउंड कम ना हो जाए। ओके गाइस सिंपली इस तरीके से कर देना है और आपको सिंपली आगे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, जहाँ से ग्रीन स्क्रीन स्टार्ट होता है वहाँ पर लेकर के आना है और अपने अपने जो कैमरे से जो कुछ भी किसी तरह का वीडियो शूट किया होगा उसे यहाँ पर लेकर के आ जाना। तो मैं सिंपली यहाँ पर एक दो वीडियो को लेकर के आ जाता हूँ। सो गाइज आपका यहाँ पर निर्भर करता है आप किस तरीके से एक्टिंग करते हैं। सो गाइज जैसा कि यहाँ पर मैं इस वीडियो को लेकर के आ चुका हूँ, इस वीडियो को लाने के बाद सिंपली डन कर देंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं मैं इस वीडियो का बीच का पार्ट रखना चाहूँगा, तो ये शुरू का पार्ट है। शुरू के पार्ट को हटाने के लिए सिंपली इस पर टाइप करेंगे, सीजर में जाएंगे और ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ लेफ्ट करके काट देंगे और मुझे बीच का रखना है, इतना सा रखना है लगभग, इस तरीके से इस वीडियो पर टाइप कर देंगे और यहाँ से ट्रिम टू राइट ऑफ लेफ्ट करके काट देंगे। ओके तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इस वीडियो को लेकर के आ चुका हूँ। ओके इस वीडियो पर टाइप करेंगे दोस्तों, उसके बाद सिंपली स्क्रीन पर जाएंगे और इसे इस तरीके से जूम कर देंगे। ओके फिर से इस वीडियो पर टाइप करेंगे, थ्री डॉट में जाएंगे, डिलीट के नीचे जो थ्री डॉट दिखेगा आपको इस पर टाइप करेंगे और सेंड टू बैक कर देंगे। ओके ताकि ये जो वीडियो है इसके पीछे चला जाए। ओके गाइस आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ से फिर से एक ग्रीन स्क्रीन स्टार्ट होता है। यहाँ पर वीडियो ऐड करने के लिए सिंपली लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और जिस वीडियो को आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं उसे सिंपली लेकर के आ जाना है। सो मैं यहाँ पर लेकर के आ जाता हूँ, आप किसी भी तरह का यहाँ पर एक्टिंग कर सकते हैं दोस्तों। सिंपली इसे इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर मेरा लेयर सपोर्ट नहीं कर रहा, आगे पीछे करेंगे तो सपोर्ट कर जाएगा। ओके मैं यहाँ से आप देख सकते हैं मैं इतना सा पार्ट रखना चाहूँगा। सिंपली सीजर में जाएंगे और ट्रिम टू राइट ऑफ लेफ्ट करके काट देंगे। ओके गाइस सिंपली इसे इस तरीके से जूम करेंगे, इस तरीके से फोटो जूम करते हैं, वीडियो का लेयर जूम हो जाएगा, वीडियो बड़ा नहीं होगा। ओके सिंपली इस वीडियो पर टाइप करेंगे, थोड़ा सा दबाए रखेंगे तो ये वाइब्रेट होगा फ़ोन, उसके बाद थोड़ा सा आगे पीछे करके आप मैच कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली इस वीडियो पर टाइप करेंगे, इसे भी इस तरीके से मैच कर देना है। ओके गाइस
ये चीज़ हो चुकी है। सिंपली इस वीडियो पर टाइप करेंगे इसमें अलग से अगर साउंड होगा, साउंड बंद करने के लिए साउंड पर जाएंगे, यहाँ से इसे म्यूट कर देंगे। सिंपली दूसरे वीडियो का भी साउंड यहाँ से आप बंद कर सकते हैं। ओके इस वीडियो पर टाइप करेंगे, स्क्रीन पर जाएंगे और यहाँ से फुल साइज कर देंगे। ओके गाइस ये चीज़ हो चुकी है, आप वीडियो यहाँ पर पूरी अच्छी तरीके से बन के रेडी हो चुका है। जब प्ले करेंगे वीडियो तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर साउंड प्ले नहीं कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि कॉपीराइट का आने का इशू हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं गाइस वीडियो एकदम प्रॉपर तरीके से मैच हो चुका है। ओके गाइस यहाँ पर आप देखा होगा जरा सा ग्रीन स्क्रीन आगे पीछे हो गया, तो वीडियो पर टाइप करना आगे पीछे होगा कर देना ताकि अच्छे तरीके से मैच हो जाए। इस तरीके से आगे पीछे करेंगे दोस्तों तो आपका यहाँ पर मैच हो जाएगा। ओके गाइस सिंपली यहाँ पर मैच हो चुका अच्छी तरीके से। इस वीडियो को सेव करने के लिए शेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से 720p और 30 का फ्रेम रेट लेते हुए फुल HD क्वालिटी में यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।